देखिए गाइस, अभी मैं ग्राउंड के ऊपर से दिखा रहा हूँ और ये धर्मशाला में हो रहा है मेला, देख सकते हो आप। बहुत अच्छा मेला हो रहा है और मैं पूरा भीग गया हूँ यार, पर मैं अपने व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ क्योंकि व्यूअर्स जरूरी हैं, तो सब्सक्राइब करो यार जरूर। विरासत मेला लगा हुआ है धर्मशाला में, देखिए कितना क्रिएटिव बनाया हुआ है यहाँ पे, जो भी देख सकते हो आप कितना क्रिएटिव है। देखिए एक एक चीज देखिए कितना क्रिएटिव है, कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो आप। और ये देखिए बारिश लगी हुई है और बारिश में यहाँ पे मेला हो रहा है, फिर भी लोग आ रहे हैं दूर दूर से मेला देखने के लिए। बारिश में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, घूम कर भी ठीक कर भी। और ये देखिए यहाँ पे महाराज शिव भोलेनाथ जी कहाँ पे बैठ कर मनोरंजन देख रहे हैं, देखिए विरासत मेला, ये देखिए। देवभूमि में देख सकते हो आप कितना अच्छा व्यू है। यू सी ऑल पीपल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन यू लाइक, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। ये देख सकते हो आप, एक एक चीज देखिए आप कितनी अच्छी है यार, सो ब्यूटीफुल। भाई यार यहाँ पे तो बड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी आई है ना, देखो ला। अब एक लाइट दिखानी थी, दुकान बंद की है। कहाँ पे? वहां चले उस साइड या उस साइड चले? क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों मन मचल कर मोर होना चाहिए, कुछ तो इस सभा में शोर होना चाहिए। शोर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक बार सीटियां बजा दीजिए ना धर्मशाला वालों। हाँ, इसी तरह से मुझे पता है कि कई बार मैं यहाँ मन संचार कर रहता हूँ सर्व फेस्टिवल में, तो मैं जानता हूँ कितने ऊर्जावान है मेरे धर्मशाला के लोग। तो कहते मन में चल कर मोर होना चाहिए, कुछ तो इस सभा में शोर होना चाहिए। बुलाने को तो अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ बुलाते हैं, लेकिन आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। इसी तरह से लाइव इसलिए सुनाई आपको क्योंकि ये प्रदर्शन करती है कि हमारा हिमाचल इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, जैसे कि स्वर्ग का तारा है। एक कामरी लोगी आप सबकी नजर, कुछ से लड़िया, कुछ से लड़िया, कुछ भी
خوبصورت شہر اور اس خوبصورت شہر کے میرے دیوبل کی جنتا کو میرا کوٹی کوٹی نمن آپ سبھی کو میرا پرنام اور منچ پر اسی سبھی گرمانے اتھی گن اور جتنے بھی یہاں پر میرے بڑے بزرگ ماتائیں بہنیں پہنچے ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے دھنیہ واد کرنا چاہوں گا وراثت مہوتسو جو آج یہاں پر دس دنوں کے لیے धर्मशाला में करवाया जा रहा है। विशेष तौर पर हमारे धर्मशाला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और जितने भी हम कलाकारों को देखने सुनने यहाँ पहुंचे हैं आप सभी नौजवान साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। प्रयास करेंगे कि आपको अपनी संस्कृति के साथ रूबरू करवा सके। मेरे माता पिता जी भी यहाँ आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपकी नजर पूरे दल के साथ धौलाधार सांस्कृतिक युवा मंच बड़ो धर्मशाला की एक लगा और एक परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव उनके श्री चरणों में ये प्रस्तुत Yeah.
I'm not the only one.
Thank you so much.